अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां खतरे की जद में उत्तराखंड की कई झील, जुलाई में लगाए जाएंगे अर्ली मॉर्निंग सिस्टम। वैज्ञानिकों की टीम ने जो है वैज्ञानिकों की टीम को इसके लिए गठित किया गया। सबसे ज्यादा खतरे की जद में हिमनद झील, गृह मंत्रालय ने आपदा विभाग को निर्देश दिए, वैज्ञानिकों की टीम का भी गठन किया। तो खतरे की जद में उत्तराखंड की कई झीलें हैं और जुलाई में इन झीलों में अर्ली मॉर्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। क्या है ये सिस्टम, कैसे ये जो है बचाएगा, कैसे अलर्ट करेगा, इन तमाम बातों की जानकारी ले लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से जो अपडेट सामने आ रहा है, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की कई ऐसी झीलें हैं जो खतरे के अलर्ट पर है, जो कभी भी इन झीलों में हादसा हो सकता है, उसको लेकर बताया जा रहा है कि जुलाई में अर्ली मॉर्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे, वैज्ञानिकों की टीम गठित की गई है, क्या है ये सिस्टम और कैसे इसके जरिए काम होगा? देखिए, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इससे किसी भी आपदा की आहट हो जाती है और एक निश्चित समय के लिए जो है वो अलार्म के माध्यम से एक मैसेज दे दिया जाता है, ताकि आपदा से बचा जा सके। आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आपदा से कैसे बचा जा सकता है, कैसे सरकारी मशीनरी जो है रिस्पॉन्स टाइम कम कर सकती है, और कहीं किसी भी आपदा से अगर जानमाल का खतरा है या जानमाल का नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और हिमालयी राज्य होने के चलते जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ अक्सर इस तरीके के ग्लेशियरों का से नुकसान होते हैं, हमने कई बार देखा है। और ऐसे में अब चूंकि जो आपदा प्रबंधन विभाग है, चूंकि उत्तराखंड में जब भी विपरीत परिस्थिति वाला मौसम होता है, खासतौर से बरसात के समय में, तो हम अक्सर देखते हैं कि भूस्खलन की घटनाएं सामने आती है, नदियां उफान पर होती हैं, और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है यहाँ से कहीं ना कहीं आपदा का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम का भी गठन कर दिया गया, और आने वाले समय में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको भी स्थापित किया जाएगा, ताकि जो आपदा है उससे बचा जा सके। जी, वैज्ञानिकों का क्या कहना है, जो टीम गठित की गई और ये सिस्टम जब जो है लगाया जाएगा, तो इसके प्रति लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी इन तमाम बातों को लेकर? देखिए, एक नहीं बल्कि कई ऐसे वैज्ञानिकों के संस्थान हैं जो सरकार के हैं, खास तौर से केंद्र सरकार के अधिकांश क्षेत्र के हैं और राज्य सरकार के, संयुक्त रूप से जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अब चूंकि पर्टिकुलरली जो है वो झीलों की जो स्थिति है इस पर मॉनिटरिंग करने के लिए, हालांकि सैटेलाइट से भी मॉनिटरिंग की जाती है, जो वाडिया भूविज्ञान संस्थान है इसके वैज्ञानिक जो है वो भी लगातार अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्रों पे अपनी शोध कर रहे हैं, और इसका अपडेट सरकार को भी समय समय पर दिया जाता है। लिहाजा ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि जितनी भी खतरे वाली, जो ज्यादा खतरे वाली जो झीलें हैं, इनकी मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है, और इनके ट्रीटमेंट के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा उसके लिए जो वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट को सरकारी मशीनरी से भी साझा किया जाएगा, और उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि इस समस्या का समाधान जो है वो पूरी तरह से कर लिया जाए, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला है और हिमालय के उच्च जो क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, तो ऐसे में वैज्ञानिकों की ये भी चुनौती है। तो अब देखना होगा कि वैज्ञानिक आखिर कैसे इसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और कैसे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको स्थापित करने के बाद हम इसको कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शुरू अगर हम फिलहाल की बात करें, तो ऐसी कौन सी वो झीलें हैं जहाँ पर इस तरह का खतरा ज्यादा है, या हम कह सकते हैं कि डेंजर जोन वो साबित हो सकती है आने वाले समय में? देखिए, अगर हम उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र की बात करें तो पिथौरागढ़ का इलाका, इसके साथ साथ जो संवेदनशील क्षेत्रों में आता है, जो पिथौरागढ़ जनपद है उसका जो ऊंचाई वाला इलाका है, चमोली जनपद है, और चमोली जनपद के साथ साथ रुद्रप्रयाग है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में साल 2013 में जो केदारनाथ में सैविया आपदा आई थी, जल प्रलय आया था, उससे काफी जनहानि हुई थी, और जैसे ही ये मैसेज राजधानी मुख्यालय तक पहुंचा, उसके बाद सरकारी मशीनरी पूरी तरह से अलर्ट हुई और राज्य और केंद्र सरकार के तमाम अधिकारियों ने फिर इस पर तत्परता से कार्य किया और कुछ लोगों की जान भी बचाई गई। तो ऐसे में अब चूंकि ये ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र हैं,
जिन जनपदों के और उत्तराखंड के जिस ये भौगोलिक परिस्थिति और भौगोलिक संरचना के लिहाज से जिन जनपदों के ये क्षेत्र हैं, इन सभी पर इन व्यवस्थाओं के तहत आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद भी यही की जा रही है कि वैज्ञानिक जो है वो इस पर शोध के बाद जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट के बाद जो अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे और आने वाले समय में जो इस तरह की आपदाओं से कहीं ना कहीं जो आपदा की चुनौती है इससे निपटा जा सकेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि अब अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उत्तराखंड में की झीलों में, खासकर वो झीलें जो खतरे जिन पर खतरा ज़्यादा है, जिन पर डेंजर जोन हम कह सकते हैं, उन झीलों पर यह सिस्टम एक्टिव किया जाएगा। और गृह विभाग ने विशेष वैज्ञानिकों की टीम का भी गठन कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये ज़मीनी तौर पर काम आती है और किस तरह से वाकई ये क्या जागरूक करती है या नहीं, पहले से अलर्ट करती है नहीं, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहे नादी टीवी।